Naturally, let's move on to the next chapter, which is improve your memory. So follow these points to improve your memory. तो अपनी memory को improve करने के लिए, अपने memorizing power को, brain की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, इन points को follow करना है. First point over here is get good sleep, अच्छी नींद लेना. So the brain restores itself and consolidates information during sleep. तो ब्रेन क्या होता है, अगर हम लगातार जो है कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, ब्रेन भी एक टाइम तक ही काम करता है, फिर वो काम करना बंद कर देता है, वो थक जाता है. काम करना नहीं बंद करता, वो थक जाता है. तो ब्रेन को भी क्या चाहिए, एक अच्छी नींद चाहिए. अब इस समय क्या होता है, ब्रेन क्या करता है, रीस्टोर करता है जो भी उसके अंदर चल रहा है, जो जो चीजें आपने की हैं सुबह से, वो सारी चीजों को रिकॉल करता है, रीस्टोर करता है, और जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कॉन्सोलिडेट करता है सोते समय. तो सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 hours की स्लीप लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. नेक्स्ट इज रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस करता है. तो हमें क्या करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन को कम करना है, रिड्यूस करना है. तो इससे क्या होगी, हमारी मेमोरी इंप्रूव होगी, स्पेशली व्हेन यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू. जब हमें कुछ नया सीखना हो तो हमें क्या करना चाहिए, कट आउट विजुअल एंड ऑडियो क्लटर्स. अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो कुछ भी सामने आए उसे हटा दो, कुछ भी आपको कान में सुनाई दे उसे मत सुनो. इसी तरीके से आप कोई नई चीज सीख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, डेजिग्नेट पीरियड्स ऑफ द डे फॉर टास्क दैट डिमांड कॉन्सेंट्रेशन. हमें क्या करना है, किसी भी काम को करने के लिए एक टाइम बना लो, ठीक है, पीरियड बना लो, डेजिग्नेट कर लो, बना लीजिए इस टाइम को. दैट डिमांड्स कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन के साथ करने वाले किसी भी काम के लिए एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लीजिए आप. एंड इग्नोर ईमेल्स एंड फोन कॉल्स ड्यूरिंग दैट टाइम. और इस समय हमें क्या करना है, जो भी फोन कॉल्स आते हैं, जो भी ईमेल्स आते हैं, उन्हें क्या करना है, इग्नोर करना है. तो ना फोन कॉल्स अटेंड करें, ना ईमेल्स अटेंड करें. मींस इस समय अपने फोन को साइलेंट पे रख दीजिए, ईमेल्स को साइलेंट कर दीजिए. सेट अ सेपरेट टाइम फॉर रिस्पॉन्डिंग टू मैसेजेस. मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करने का एक पर्टिकुलर टाइम बना लें कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में ही मैं इन मैसेजेस का रिप्लाई दूंगी या दूंगा. तो इससे क्या होगा, हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और डिस्ट्रैक्शन कम होगा तो हमारी मेमोरी भी इंप्रूव हो जाएगी. तो क्या हमने सीखा सेकंड पॉइंट में, कि हमें जो है किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले विजुअल और ऑडियो जो भी क्लस्टर है या जो क्लटर है उसे हटाना है. हमें एक टाइम पीरियड बनाना है कॉन्सेंट्रेशन वाले वर्क के लिए, उसमें सिर्फ वही काम करना है, किसी और काम में इन्वॉल्व नहीं होना है. दूसरी चीज है, जो भी फोन कॉल या ईमेल्स हैं उसे हमें साइड में रखना है, और एक पर्टिकुलर टाइम बनाएं जिसमें हम इनको आंसर करें. नेक्स्ट इज डोंट पुट ऑफ टास्क. टास्क को हमें क्या करना है, पुट ऑफ नहीं करना है. शेड्यूल डिमांडिंग टास्क और एक्टिविटीज अर्लियर इन द डे व्हेन यू हैव द मोस्ट एनर्जी. सो ऐसी चीजें, ऐसे काम जिसमें जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो, तो ऐसे काम को हम सुबह करें. मींस ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा ब्रेन की जरूरत है, ऐसे काम को कोशिश करें कि इसे आप सुबह के सुबह कर लें, क्योंकि जो सुबह का हमारा दिमाग होता है वो एनर्जी से भरपूर होता है. तो ये जितने भी ऐसे सोचने समझने के काम है वो हमें जो है टालना नहीं चाहिए, और उसे एक पर्टिकुलर टाइम पे मॉर्निंग के टाइम तक कंप्लीट कर लेना चाहिए. नेक्स्ट इज फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम. किसी भी एक टास्क पे एक समय पे ही फोकस करें. ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो आप चले गए दरवाजा खोलने की, कोई दरवाजे पे आया है, या कुछ और करने चले गए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फोकस करना है किसी भी एक काम पे एक समय पे. That means no multitasking. आप कंप्यूटर नहीं है जो आप multitasking करेंगे, आप एक इंसान है, तो एक समय में एक ही काम करिए. Stick with one project until you are finished, then move on. तो जब आप एक काम कर रहे हैं उस पर ही
लगे रहें, मेहनत करें और अगले काम पे उसके बाद जाए। अभी इसका ये मतलब नहीं कि आपने बुक तो खोल रखी, आप पढ़ नहीं रहे हो और दरवाजे पे कोई आया आप खोलने भी नहीं जा रहे हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो। नो, दिस इज रॉन्ग। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसे फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करें एंड लाइक दिस इट विल इंक्रीज फोकस। नेक्स्ट इज लीव योर सेल्फ रिमाइंडर्स। अपने आप को क्या छोड़ना है, हमें रिमाइंडर्स लीव करने हैं। इफ यू हैव टू स्टॉप इन द मिडल ऑफ अ टास्क, नोट डाउन अ नोट सो यू नो वेयर यू वर व्हेन यू पिक इट बैक। तो हमें क्या करना है, अपने लिए रिमाइंडर्स छोड़ देना है। मान लो कि कोई काम आप कर रहे हैं और अचानक से कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने लिए उस टास्क के लिए एक नोट छोड़ देना है या आप कह सकते हो कोई स्टॉपर लगा देना है जिससे आपको पता चल जाए कि आपने काम कहाँ छोड़ा था। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और मैं हूँ इस सेकेंड लास्ट पॉइंट पे और अचानक से कोई आ जाता है, वो मुझे बुलाता है, मुझे जाना बहुत जरूरी है, तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया कि ओके आई वॉज आई हैव रेड टिल हियर। तो ये जो रेड लाइन है क्या, ये मुझे ये बताती है कि मैंने कहाँ तक आपको पढ़ा दिया है, ताकि अगर मैं कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हूं या कुछ भी हो तो ये रेड लाइन्स मुझे वापस से याद दिला देंगे कि मुझे क्या करना है, अब अगले पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो ऐसे ही जब भी आप कोई काम करें तो अपने लिए एक रिमाइंडर लगा ले और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने वो काम कहाँ पे खत्म किया था या पॉज किया था। नेक्स्ट इज रिपीट न्यू इंफॉर्मेशन टू एनहांस लर्निंग। हमें क्या करना है, जो नई इंफॉर्मेशन है उसे रिपीट करते जाना है, करते जाना है, ताकि हमारी लर्निंग भी इम्प्रूव हो जाए। दिस मे इन्वॉल्व हैविंग इंफॉर्मेशन reiterated to you, then you repeating it back and making a written note of what was said. तो हमें क्या करना है, हमें जो है जो भी information है उसमें involve होना है and उसे बार बार repeat back करना है, उसके notes बनाने हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने क्या पढ़ा है या क्या बोला है। This multimodal learning like hearing, speaking and writing can enhance later recall. अब इससे क्या होगा, जो मान लो कि मैंने नोट्स बना लिए हैं और अचानक से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चैप्टर पढ़ा, उसके मैंने नोट्स बना लिए, अब वो चैप्टर मुझे एक महीने बाद वापस से उसका टेस्ट है मेरा, तो अब मैं क्या करूँगी, उन नोट्स को उठाऊंगी, फटाफट उसके गो थ्रू जाऊंगी, या टीचर ने कल अगले दिन कह दिया या तीन चार दिन बाद या एक हफ्ते बाद कह दिया कि आपका उस फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है, तो मैं क्या करूंगी, उन नोट्स को उठाऊंगी फटाफट से, उसे रिकॉल कर लूंगी। तो ये क्या है, रिपीट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड एनहांस लर्निंग, यही है वो। तो हमें क्या होगा, अब उस नोट को मैं पढ़ूंगी और पढ़ के मुझे पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, तो क्या होगा, सारी चीजें वापस से मुझे रिकॉल हो जाएंगे, अच्छा इसमें ये मैंने नोट्स बनाए थे, इसका मतलब इसका इसमें ये करना है या ये नहीं करना है। सो ये क्या है, रिपीट न्यू इन्फॉर्मेशन टू एनहांस लर्निंग। लर्निंग को एनहांस करने के लिए हमें न्यू इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करना है। नेक्स्ट इज गिव योरसेल्फ इनफ टाइम टू प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन। अपने आप को इतना टाइम दे ताकि वो जो नई इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो सके, प्रोसेस हो सके। उस नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए अपने आप को थोड़ा टाइम दे। ऐसा नहीं कि बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन एक साथ आपने अपने दिमाग में भर ली। Before switching to a new topic or activity, review the information, ask questions and repeat the information back as needed. आपको क्या करना है, किसी भी नए टॉपिक पे जाने से पहले आपको जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी उसे वापस से पढ़ना है, रिव्यू करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लो एंड रिपीट द इन्फॉर्मेशन बैक एज नीडेड। और जो भी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड थी उस टॉपिक से वो आप पूछ लें एंड देन आप नए टॉपिक पे जाएं। द की इज टू मेक श्योर यू हैव एडिक्वेटली प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन and if the information never gets in, it's likely to be recalled later.
तो हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है, पहले अच्छे से एक टॉपिक को समझ लेना है। समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, उसको रिव्यू करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, उसको फिर से रिकॉल करना है। ओके, अब इतना कर लिया तो नए टॉपिक पे जाएं, और अगर नहीं हुआ तो आपको उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना चाहिए, तभी हमें नए टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज यूज रिटन लिस्ट एंड रिमाइंडर। हमें क्या करना चाहिए, जो रिटन लिस्ट है और जो रिमाइंडर्स है उन्हें यूज करना चाहिए। द एक्ट ऑफ सिंपली राइटिंग आउट अ लिस्ट कैन हेल्प यू रिमेम्बर टास्क। तो आप किसी भी चीज को लिख लेते हो तो क्या होता है, उसकी लिस्ट बना लेते हो तो क्या होता है, किसी भी टास्क को आप याद कर लेते हो। ओके, राशन में फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में राशन आना, मैंने उसको लिख लिया तो क्या हुआ, अब मैं जब वहां शॉप पे जाऊंगी तो मैं चीजों को भूलूंगी नहीं। मैंने फट से वो पर्ची निकाली, उसमें से देख लिया, ओ ये सामान भी लेना था। तो क्या होगा, इससे किसी चीज को लिखने से हमें वो चीजें रिकॉल हो जाती हैं जल्दी से। मेक अ लिस्ट एट द एंड ऑफ ईच डे फॉर द फॉलोइंग डे। हर दिन के एंड में एक लिस्ट बना सकते हैं उस पर्टिकुलर डे से रिलेटेड, एंड देन रिव्यू द लिस्ट इन द मॉर्निंग एंड प्रायोरिटाइज व्हाट नीड्स टू गेट डन। तो अगले दिन आपने मान लो कि कल आपको क्या क्या काम करना है, उसके आपने एक लिस्ट बना ली आज रात में। अब जब जैसे आप सुबह उठोगे तो आपको याद रहेगा, ओ आज तो मुझे ये वाला काम भी करना था, आज तो मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, आज तो मुझे ये वाला भी काम करना था। अब इन सब में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो मैं पहले करूंगा, उसके बाद बाकी काम को मैं अरेंज करूंगा। तो ये क्या है, जो भी चीजें मैंने लिखी हैं उसकी लिस्ट बनानी है, और उसको वो हमारे लिए क्या है, एज अ रिमाइंडर काम करेगी। नेक्स्ट इज स्टिक टू रूटीन्स। रूटीन्स से स्टिक रहो, मींस जो भी आपका रूटीन है उससे इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्रिएटिंग अ रूटीन मेक्स टास्क इजियर। अगर हमने कोई भी रूटीन बना लिया किसी भी काम का तो क्या होगा, हमारा काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। सच एज टेकिंग मेडिकेशन एंड डूइंग हाउस होल्ड कोरस इजियर टू रिमेम्बर। तो क्या होता है, मान लो कि डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन मुझे लिखी हैं, अब उसे मुझे खाना है कि आपको सुबह खानी है, फिर दोपहर में खानी है, फिर रात में खानी है, जनरली यही होता है। और कुछ मेडिसिन है जो सिर्फ सुबह और शाम को खानी है। तो मैंने क्या किया, एक रूटीन बना दिया है कि जो मेडिसिन सुबह की हैं वो मैंने अलग रख दी, फिर दोपहर की अलग रख दी, और शाम की मैंने अलग रख दी। अब इससे क्या होगा, ये रूटीन मेरा बन गया कि ओके सुबह मुझे 3 टैबलेट्स खानी है, दोपहर में 2 ही खानी है, और शाम को वापस से 3 खानी है। तो क्या होगा, इससे मेरा रूटीन क्रिएट हो जाएगा और मेरा जो काम है और ज्यादा इजीली हो जाएगा। इसी तरीके से हम हाउस होल्ड वर्क जो भी होता है उसे भी इस तरीके से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेक एक्सरसाइज अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर रूटीन। अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को एक रेगुलर पार्ट के रूप में लेके जाए। इन पर्टिकुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस have been shown to improve cognitive functions among those with MS. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ जो है aerobics हैं, aerobics आपने देखी है ना, exercise होती है वो एक तरीके की। तो ये जो exercises हैं ये क्या करती है, हमारे जो भी cognitive functions हैं उसे जो है improve करती है। तो exercise को अपनी routine का एक regular part बनाएं। Next is manage fatigue. Fatigue can be one of the most debilitating MS symptoms and can compromise your cognitive function. तो fatigue means हर चीज में बुराई देखना, ठीक है। तो आपको क्या करना, अपने fatigue को maintain करना है, और ये क्या कर सकता है, आपके अंदर बहुत सारे symptoms ऐसे ला सकता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, and can compromise your cognitive functions, जिसकी वजह से आपके जो भी cognitive functions है आप उससे compromise कर लेते हो। To lessen your fatigue, try delegating tasks to others. आप अपने fatigue को अगर कम करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जो task है वो किसी और को दे सकते हैं। Pacing yourself, अपने पे ध्यान दे सकते हैं। And exercising, yes, exercise can help fatigue too. तो exercise से हमारी जितनी भी problems है, चाहे fatigue हो चाहे किसी भी तरीके की कोई भी problem है, ये सारी problems दूर हो जाती हैं। Next is be alert for signs of depression. Depressions के लिए हमें क्या करना है, अलर्ट रहना है। हमें पहले से पता होना चाहिए कि हम डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं। सो डिप्रेशन कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू अटेंशन प्रॉब्लम्स एंड फटीग।
अब ये जो डिप्रेशन है क्या वो क्या करता है, प्रॉब्लम्स को मीन्स स्टार्ट करता है, अटेंशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, मीन्स स्टार्ट हो जाती है, और फटीग भी बढ़ जाता है, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू लर्न। तो अब क्या होता है, अगर आप डिप्रेशन में चले गए तो आप चीजों को लर्न नहीं कर पाओगे, चीजें भूलने लग जाओगे, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, डिप्रेशन के जो अर्ली साइंस है उस पर वॉच आउट करना है। डिप्रेशन कैन ऑल्सो एक्स एग्रीगेट मेमरी इम्पार्टमेंट सो इम्पेयरमेंट। तो अब ये क्या कर सकते हैं, डिप्रेशन से हमारी जो मेमोरी भी है वो भी लॉस हो सकती है। तो हमें क्या करना है, डिप्रेशन का ध्यान रखना है, इससे बच के रहना है। सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस चैप्टर एंड यू विल फॉलो द गिवन रूल्स।